पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। उससे मैं तो खड़ा हूँ आपका सामने। बिहार आए हैं, आज बेगूसराय भी गए थे, कैसा माहौल था सर? बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं, और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए, 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आज बिहार आए थे, बेगूसराय पहुंचे तो वहीं लौटते वक्त एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जमकर महागठबंधन को लपेटे में लिया। एक ओर मुस्लिम आरक्षण को लेकर लालू यादव पर निशाना साधा तो वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को पाकिस्तान भेजने लगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम को आरक्षण दिलाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। लालू यादव मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिलाने की बात कहते हैं, तो इसका पलटवार हेमंत विश्व शर्मा करते हुए कह गए कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए और जो आरक्षण मिल रखा है उन्हें वो भी हटा देना चाहिए, क्योंकि देश में किसी को भी उनके धर्म के आधार पर जो आरक्षण है वो नहीं मिलना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए की 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे थे बिहार में तेजस्वी यादव, इस पर पलटवार करते रहते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी हो, एनडीए के तमाम नेता हो, उनको कहते रहते हैं कि इस बार बिहार में एनडीए का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए हेमंत विश्व शर्मा ने साफ कह दिया कि बिहार में तो एनडीए ही 40 की 40 सीट जीतेंगी, अगर लालू यादव तेजस्वी यादव को जीतना है तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वहीं महागठबंधन की आज जो प्रेस वार्ता हुई है राजधानी पटना में, उसको लेकर भी उन्होंने जमकर सभी को निशाने पर साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको साफ कह दिया कि इनकी बात कोई नहीं सुनता, इनकी बात को इतनी गंभीरता से मत लीजिए, जो राहुल गांधी कहते हैं ये वही करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर काफी कुछ बोलते नजर आए असम के मुख्यमंत्री, क्या कुछ कहा हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। मैं तो खड़ा हूँ आपका सामने। बिहार आए हैं, आज बेगूसराय भी गए थे, कैसा माहौल था सर? बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं, और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए, 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। मुसलमानों को विशेष आरक्षण की मांग बिहार में कर रहे हैं, मुसलमानों को विशेष आरक्षण। देखिए, समस्या यही है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में रखा, जाति का आधार में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया, ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए, बंगाल में मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है वो भी ख़त्म होना चाहिए। ये दोनों सोच है, ये दोनों थॉट का फाइट है। लालू यादव बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दो, हम बोल रहा है कि हम जो भी मिल रहा है मुसलमान को वो भी बंद करूँगा। किस लिए? भारत में धर्म का आधार में आरक्षण नहीं हो सकता है, जाति का आधार में आरक्षण होगा। तो बाबा साहेब का खिलाफ जो भी जाएगा उसका साथ हम लोग जंग लड़ेगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं संविधान में कोई का हवाला देते हैं और कहते हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहाँ है भाई, कौन सा प्रोविजन है संविधान में? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में आप वक्तव्य सुनिए,
संविधान सभा का सारे बात सुनिए। धर्म का आधार में भारत में संरक्षण होता ही नहीं। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है, और बीजेपी प्रतिबद्ध है कि ये तीनों संरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, इसको हम शक्ति देगा। लेकिन कोई भी कारण में ओबीसी आरक्षण में मुसलमान का बैकडोर एंट्री हो ही नहीं सकता है, और ये अगर होगा तो देश में ये देश धर्म का आधार बच जाएगा, कुछ बसेगा ही नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करना चाहते हैं, नेता है वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि पीएम वहां गए। देखिए, नाना पटोले का बयान से एक बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मंशा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था, नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। अभी का जो राम मंदिर है, रामलला है, उसका हजम नहीं हो रहा है, उनका कुछ गड़बड़ी करना है, और कांग्रेस गड़बड़ी ना कर पाए इसलिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना है। औरंगजेब की तरह शासन करते हैं प्रधानमंत्री, 400 सीट अगर आती है तो ये लोग संविधान को ही बदल देंगे। नहीं नहीं, 400 सीट आने का साथ साथ हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करना है। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमारा तो एजेंडा कम नहीं है ना, बहुत लंबा एजेंडा है। मोदी जी का साथ भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो ये 400 सीट जब मिलेगा, कृष्णा जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ 400 सीट का साथ मोदी जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलीन कर। औरंगजेब के तरह शासन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, इंडी गठबंधन के। अरे हमें तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है, हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका अलादू से हम फाइट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का अलाउद का खिलाफ, बाबर का अलाउद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, देखिए खड़गे जी का बयान का कोई बात बोल के फायदा नहीं है, वो जो राहुल गांधी बोलेगा वही बोलेगा, उनका बयान का आपको क्यों महत्व इतना दे रहा है? उनका वैल्यू क्या है? उनका वैल्यू क्या है? उनका तो कुछ वैल्यू है नहीं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है कि बिहार के जो 40 सीटें हैं, आप लोग कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ आप लोगों का हो जाएगा। देखिए हम तो 40 आगे भी मिला हूँ, इस बार भी 40 मिलना है। लालू यादव और तेजस्वी को कुछ सीट मिलना है तो पाकिस्तान जाना है। हम तो बिहार में हमेशा मिलता हूँ, आगे भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। बिहार का जनता का आशीर्वाद हमेशा मोदी जी का साथ है, लेकिन लालू जी और तेजस्वी का इतना मन है लोकसभा जाने का, तो उनको दूसरा कंट्री में जाके सीट ढूंढना पड़ेगा। अभी चलेगा वो बम, जो देश को अनाज खरीदने का पैसा नहीं है वो बम ठीक ठाक होगा? मेरा तो लगता है वो बम फूटेगा ही नहीं, फूटाने से भी वो नहीं फूटेगा। अरे रोड शो करना डरना है क्या? ये भाई कहाँ का थियोरी है? वो तो एडुकेटेड लड़का है, क्यों ऐसा बात बोल रहा है? रोड शो करने का मतलब डरना, जनता का बीच आने का मतलब डरना, मतलब सोनिया गांधी जैसा होना चाहिए, ट्रेन जनपद में ही बैठे रहो, जनता का बीच में मत आओ। जनता का बीच आना डरना, और ट्रेन जनपद में राहुल बाबा सोनिया मैडम बैठे रहे। Oh,